बॉलीवुड दियां चोटी दियां सिंगर्स दे विचों एक हर्षदीप कौर 16 दिसंबर नूं यानी कि अज अपना जन्मदिन मना रही है। जदों हर्षदीप अपनी विलक्खण ते रूहानी आवाज़ दे नाल गीत गाउंदी है, चाहे गायकी दे नाल संबंधित लोक होण जां दर्शक, हर कोई मंत्रमुग्ध हो जांदा है। अपनी सूफी आवाज़ का जादू बिखेर के संगीत की दुनिया दे विच वक्री पछाण वाली हर्षदीप कौर ना सिर्फ अपने गाउण दे ढंग नूं विलक्खण बनाउंदी है, सगों उसका पहरावा भी बिल्कुल वखरा है। तुसीं ज़्यादातर उसनूं सिर ते पगड़ी बन के पूरे देसी स्टाइल दे पहरावे दे विच प्रदर्शन करदे देखिया होवेगा, पर की तुसीं इस दे पिछे दा कारण जानदे हो? 16 दिसंबर 1986 नूं दिल्ली दे विच जन्मी हर्षदीप कौर ने सिर्फ 6 साल की उम्र दे विच संगीत सीखना शुरू कर दिता सी। उसने अपनी मुढ़ली पढ़ाई दिल्ली तो की। वह अज बॉलीवुड की मशहूर गायिका है, पर इस तो इलावा उसने 4 होर भाषावां पंजाबी, तमिल, मलयालम अते उर्दू दे विच भी गीत गाए ने। भावें हर्षदीप लंबे समय तो संगीत की दुनिया के सरगर्म सी, पर उसनों सब तो पहला फिल्म रंग दे बसंती दे गीत अते कतिया करू तो पहचान मिली। इस तो इलावा हर्षदीप कौर ने राजी का गीत दिलबरों गा के सारियां दा दिल जीत लिया। दूजे पासे हर्षदीप दे गीत जुगनी, नचदे ने सारे, जालिमा, वारी बरसी लोगों की जुबान ते बने हुए ने। हर्षदीप कौर ने साल 2008 दे विच गायकी मुकाबले जुनून कुछ कर दिखाने का दे विच हिस्सा लिया। इस शो दे विच उसने अपने उस्ताद राहत फतेह अली खान दे नाल सूफी दी सुल्ताना गायिका लई मुकाबला कीता अते जीती भी। इस तों बाद शो दे ग्रैंड फिनाले दे विशेष मेहमान रहे मैगा स्टार अमिताभ बच्चन ने उन्हां नूं सूफी की सुल्ताना दे खिताब दे नाल सन्मानित कीता। सूफी दी सुल्ताना दे नाम दे नाल मशहूर हर्षदीप ज़्यादातर पग बन के परफॉर्म करदी नज़र आउंदी है। असल विच इसका कारण यह दस्या जाता है कि मुकाबले जुनून कुछ कर दिखाने का दे विच हर्षदीप सिर ढक के गाना चाहती सी। यह भी कहा जाता है कि यह धार्मिक कारना करके भी जरूरी सी, इसलिए उसने अपना सिर स्काफ दे नाल ढकन का फैसला किया, पर उसके जीजा ने उसनू पग बन के जाने की सलाह दी। इस दौरान शो के माहौल मुताबक हर्षदीप लंबा सूफी पहरावा पहनती सी अते नाल ही पग भी लेके जाती सी। इस शो नूं जितने बाद यह पग उसके पहरावे का हिस्सा बन गई, जो अज भी बरकरार है।